इधर रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 30 सितंबर को होने वाली है। राजीव भवन में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बता दें कि सह प्रभारी चंदन यादव समेत अन्य नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता कुलेश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, कई महत्वपूर्ण विषयों को इंगित किया जाएगा, क्या कुछ वो विषय हो सकते हैं, किस तरह से इस बैठक को आयोजित किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, 30 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक जो है कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की रखी गई है। 12 बजे यह बैठक होगी राजीव भवन में। तमाम जो प्रभारी हैं, पीएल पुनिया, सह प्रभारी चंदन यादव से ये मुख्य जरूर शामिल होंगे। मुख्य रूप से कांग्रेस भी जो है भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पे 2 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में पद यात्रा निकालने वाली है। सरकार की योजना और भारत जोड़ो के उद्देश्य को जाने वाली, तो उसका एक कार्य योजना जो है इस बैठक में बनाया जा सकता है। साथ ही आगामी रणनीति, जो टास्क दिए गए थे वो टास्क कहाँ तक पूरे हो गए, साथ ही एक साल से कम वक्त बचा हुआ है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस तरह से हमको उतरना है, कौन सी रणनीति तय करना है और किस तरह से कांग्रेस हारी हुई सीट पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य मिशन 75 का है। तो कहीं ना कहीं तमाम विषय को लेकर कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी और निश्चित तौर पर नई रणनीति के साथ फिर मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरने की जांच। बिल्कुल कुलेश्वर, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो 30 सितंबर को राजीव भवन में बैठक होने वाली है, प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक होगी जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण विषय हैं, फिर वो चाहे चुनाव हो या हारी हुई सीटों का मंथन हो, तमाम विषय होंगे जिस पर चर्चा होगी। इधर किसानों को लाभ मिलने वाला है, समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है, मूंग, उड़द और अरहर की दाल को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसकी खरीदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक मूंग उड़द की खरीदी होगी, तो वहीं 13 मार्च से 12 मई तक अरहर की खरीदी की जाएगी। यानी ये कहा जाए कि इन दालों की खरीदी अब समर्थन मूल्य पर शुरू हो जाएगी और जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इधर स्टेट वेयर हाउस के 20 गोदामों को अधिसूचित कर दिया गया है। 13 मार्च से 12 मई 2023 तक अरहर की खरीदी होगी, तो वहीं इससे पहले 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक मूंग और उड़द की खरीदी भी हो जाएगी।